शहीद कमल किशोर प्रेरणा स्रोत है सब नौजवानों के लिए, सब देशभक्तों के लिए, हर उस व्यक्ति की याद दिलाते हैं जो देश के ऊपर नशावर हुआ है। और ये भी याद दिलाते हैं कि हम सबका, चाहे वो सरकारी लोग हैं, चाहे वो गैर सरकारी हैं, चाहे परिवार के जन हैं, चाहे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबका फर्ज बनता है इनको याद रखें, इनकी शहादत को याद रखें और इनको प्रणाम भी करें और शुक्रिया भी करें कि आज हम पीसफुल माहौल में आराम से जो जी रहे हैं वो ऐसे कमल किशोर और कमल किशोर जैसे अनेकों शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा है। बचने के लिए ये प्रेरणा स्रोत है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता, अपने परिवार की चिंता किए बिना देश और हम सब जैसे लोगों को और नौजवान पीढ़ी के लिए अपने आप को निछावर किया। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि इनके लिए कम से कम देश की राह पे, देशभक्ति की राह पे और गलत कार्यों से दूर होके चलें, ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपना रतन जो देश पे निछावर किया, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जाके प्रणाम तो कर लें जब भी कभी मौका मिले। और मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि हम सब लोग ये इंश्योर करें कि कमल किशोर और कमल किशोर जैसे जितने भी शहीद, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं, उन सब के प्रति, उन सब के प्रति, परिवारों के प्रति हम इसी तरीके से अपना जो सम्मान है वो व्यक्त करते रहेंगे। तभी हर साल वो एक, वो भी है ना, शेर भी है, मैं शेर पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, कि हर साल मेले लगेंगे शहीदों के स्मारक में। देश कभी भी इनको भूल नहीं सकता क्योंकि देश ऋणी है। धन्यवाद। अपने एक थोड़े से पैसे के लिए, उस चीज के लिए यही एनर्जी अगर दूसरी जगह लगाएं तो पैसा वहाँ भी कमा सकते हैं। मगर और अपने रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप ये धंधा छोड़िए और कोई भी धंधा करें, जाके काम करें। ऐसे खिलवाड़ अपने नौजवान, अपने युवा पर, जो नशे में पड़ चुके वो भी प्रयास करें।